आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ही कम मसाले के साथ ये पाव मसाला, बहुत ही खाने में टेस्टी है यम्मी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। गैस पर मैंने पैन रखा और इसमें मैंने एक चम्मच सरसों का तेल डाला। आप जो भी किचन में यूज करते हैं वो तेल भी इस रेसिपी में डाल सकते हैं। तो मैं तो सरसों का तेल में ही ज़्यादातर बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने सरसों का तेल ही डाला है। यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन हरा मिर्च डाला है। हरा मिर्च अगर बच्चों को बना रहे हैं नहीं पसंद है तो हटा भी सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बारीक कटा हुआ यहाँ पर मैंने प्याज डाला है। तो यहाँ पर हल्का सा सब सुनहरा हो जाए अदरक लहसुन तभी डालिएगा प्याज को। तो यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो गया था प्याज का, तो थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, मिला दिया है और अच्छे से ये भी भुंजा गया है। तो इसमें मैं डालूँगी मसला हुआ आलू को। मैंने बॉयल करके आलू को छिलका निकाल के मसल दिया, वो मैंने डाला और इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक मिलाकर भूंज लूँगी। इससे जो पाव भाजी में टेस्ट है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आता है। आलू को भूंजते हुए करीब 3 मिनट हो गया था, तो 1 चम्मच मैंने इसमें पाव भाजी का मसाला डाला है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो उसकी जगह आप गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला, सभी को मिला लिया है। तो अब ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ, ऐसे प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है पाव, ऐसे मैं चाकू से इस तरह से कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी आराम से तोड़ सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये पीसेस में निकल जाता है। थोड़ा सा मैंने इसे बीच से कट किया है और इसमें मैंने आलू का मसाला को भर दिया है। ये देखिए इसी तरह से सारा मैं रेडी कर लेती हूँ। तो इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ। गैस पर मैंने पैन रखा है, 1 चम्मच घी डाला है, पाव को इसमें डाल दिया है, गैस को कम ही रखा है और कम गैस पर इसे उलट पलट कर चारों तरफ से सेक लेंगे। आप चाहे तो इसे घी में भी सेक सकते हैं या तो बटर या तेल, किसी में भी आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पर रेडी हो गया, निकाल लिए है और यहाँ पर मैंने प्लेट में नमकीन सेव लिया है और उसे चारों तरफ से कोट कर लिया है। तो बिल्कुल ये रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो एक बार रेसिपी को घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।